मॉर्निंग एंड आज भी टाइम हो रहा है 6 AM और वी आर इन अ प्लानिंग टू गो अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। अगर आप कोलकाता से नहीं हो एंड घर बैठे हुए हो, ऐसी जगह देखना चाह रहे हो जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी हो, सो वी आर हेडिंग टू द प्लेस। बहुत ही ब्यूटीफुल है, जगह का नाम आपको जाके ही पता चल जाएगा। जो लोग दोज हु आर फ्रॉम कोलकाता, बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम कोलकाता, प्लीज़ वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए सुबह के 6 बजे का व्यू, काफ़ी धूप निकल गई है। और ये देखिए ये वाले हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल में माही हुई थी। आयरिस आयरिस मल्टी स्पेशलिटी, यस। तो उसी के पास से हम लोग जा रहे हैं। एंड सो हाउ आर यू फीलिंग देवराज? गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं बोल चुकी हूँ, अभी देवराज ने बोला है। सो हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग ग्रेट। ओके, चलो चलते हैं। और अभी हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, आप देख सकते हो ये जो जगह है यहाँ पे दक्षिणापन। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम कोलकाता तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर आप बाहर से हो तो मैं आपको बता दूँ, ये एक फेमस स्पॉट है कोलकाता का, दक्षिणापन। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, रेड लाइन रेड रेड अक्षरों से मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली द पर्पस इज, यहाँ पे बहुत लोग आके अड्डा मारते हैं, काफ़ी बहुत यंगस्टर्स आते हैं यहाँ पे। देन इट्स अ शॉपिंग मॉल ऑल्सो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। इवन मैं भी अपने कॉलेज टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी जब हमारे कॉलेज हो जाते थे। एंड ये है गरियाहाट, जो मोस्ट फेमस प्लेस है यहाँ पे। आई थिंक कोई नहीं आई, ये ढाकुरिया ब्रिज है लेकिन इसके थोड़ी देर बाद तो गरियाहाट आ जाएगा ना। तो यस, ये ढाकुरिया ब्रिज है एंड वी आर गोइंग ओवर बाय, और इधर ही से हम लोग टर्न मारेंगे और आ जाएगा हम लोगों का स्पॉट। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड लेक्स एक्चुअली, जो आपको पता चल जाएगा। इसे क्या कहते हैं, रविंद्र सरोवर लेक, इसे बंगाली में बोलते हैं रविंद्र सरोवर लेक और हिंदी में बोलते हैं लेक, यस। तो चलिए ये अगला टर्न हमने ले लिया, अगर उस तरफ में हम लोग जाते तो गरियाहाट आ जाता, द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर शॉपिंग एंड ऑल, और अड्डा के लिए सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट प्लेस एंड द मोस्ट पॉश एरिया ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। ये देखिए जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, लंबी लाइन से खड़ी है यहाँ पे, ये लेक के बाहर है। यहाँ पे सब मॉर्निंग वॉक के पर्पज से ही आते हैं। आप देख रहे हो कहाँ पे मैक्सिमम मॉर्निंग के टाइम में आपको बुजुर्ग वगैरह ज़्यादा मिलेंगे, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आप देखोगे यंगस्टर की संख्या बढ़ती जा रही है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ लेक, लेट मी शो यू। आप देख सकते हो सामने में यहाँ पे सब जॉगिंग कर रहे हैं। लेट्स गो टू दिस साइड, ये वाला साइड ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों। मैं बता दूँ अगर आप मॉर्निंग में आओ ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, यहाँ पे यंगस्टर की भीड़ बढ़ती है एंड यू नो दिस इज़ ऑल्सो अ लवर स्पॉट ऑल्सो। और मैं आपको बता दूँ यहाँ की जो एक अलग सी आवाज़ है ना, ये मज़ा आ जाता है। यहाँ पे मुझे छोटी सी चिड़िया मिली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सच अ ब्यूटीफुल। देखो वहाँ पे सी येलो वाली, यहाँ आप देख सकते हो ये है मोस्ट फेमस रविंद्र सरोवर का नजरुल मंच। यहाँ पे काफ़ी तरह के फंक्शंस वगैरह होते हैं कॉलेज के, मोस्ट ऑफ द फेस्ट जो आसपास के कॉलेज है यहाँ पे, सिटी कॉलेज में, मैं भी सिटी कॉलेज की हूँ तो ये कॉलेज की जो फेस्ट होती है मुझे याद है यहीं पे होते थे सारे के सारे। बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी पहले जैसे आए थे हम, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, मेंटेनेंस थोड़ा लो है, मतलब उतना ज़्यादा खास, चारों तरफ मुझे जंगल जंगल दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये अभी जो मैं देख रही हूँ, पिछली टाइम जब मैं आई थी तो चीज़ें बहुत क्लियर थी, साफ थी, बट कोई नहीं, बट यहाँ की ब्यूटी अलग है। आपको यहाँ पर आके सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी तक तो यहाँ पे क्लोज ही था, मैंने डोर पे अभी भी लिखा हुआ है, मतलब
द पार्क इज क्लोज फॉर लॉकडाउन शायद फिलहाल, मतलब 10-15 डेज बैक में ये चालू हुआ है। हाँ तो ठीक है, मतलब यहाँ पे तो मेंटेनेंस अच्छा ही हुआ, गवर्नमेंट ने अच्छा काम कर रहा है। तो नहीं थोड़ी मेरे को लगी कि यहाँ पे काम होना चाहिए था, क्योंकि काफी जगहों पे ना काम हो जाएगा, पूजा के पहले यहाँ पे पूरा साफ सुथरा हो जाएगा। एनीवेज चलो चलते चलते बात करते हैं, और चलिए आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है व्यू, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली बताया हम लोग पहले आते थे माही होने से पहले, अभी तो बताइए, बट जैसे इस बार लॉकडाउन नहीं है तो आई डोंट नो कब से फिर लॉकडाउन ना आ जाए। मुझे नहीं चाहिए लॉकडाउन, इट्स रियली सो बोरिंग। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस लेक इज दैट झील, छोटा सा झील मैं दिखा दूँ। यहाँ पे बोटिंग भी होती है नहीं? आई डोंट थिंक कि अभी होती होगी। सुनसान वाली जगह पे आई हूँ और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ अपना। इसके लिए हम लोग, आपको दिखाई दे रहा है गाइस ये जो ब्रिज है, इसके लिए हम लोग बहुत वॉक किए वहाँ से, कितने 10-15 मिनट होगा नहीं वॉक किए, और हम आए पहले सोचे चले जाते हैं, तो फिर सोचे इतने दूर से आए हैं, मतलब इतने दिनों बाद आए तो होता है ना एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आए यहाँ पे और चलो कवर अप करती हूँ वाली जगह। वो देखो गाइस वो रहा ब्रिज, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है उस ब्रिज पे चढ़ के, अगर आप व्यू लो ना एकदम पूरा लेक समझ आता है। और वो जो देख रहे हो आप उस तरफ वो एक मस्जिद है, यहाँ पे लेक के अंदर एक मस्जिद भी है, अगर कोई प्रेयर्स करना चाहे तो यहाँ पे आके प्रेयर भी कर सकते हैं। एंड ये देखिए सच अ ब्यूटीफुल लेक, नहीं बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैं जितनी बार आई हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है।
प्लेस टू रिटर्न. अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बताओ? क्रिकेट कोचिंग. ओके, मुझे इसमें उतना नॉलेज नहीं है, बट देखी हूँ. यस, काफ़ी वक्त देखी हूँ. यहाँ पे खेलते हैं बच्चे और हर एक उम्र के लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे खेलते हुए, कोचिंग करते हुए. और आप देख सकते हो वो दूर उस तरफ में सेकंड वाले लॉर्ड में कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं. फ्रेंड्स, पूरा का पूरा लेक घूम लिए एंड वी आर फीलिंग रियली सो फ्रेश. इतने टाइम बाद 6 बजे मैं उठी हूँ. देवराज तो फिर भी उठ जाते हैं, काफ़ी वक्त उठ जाते हैं. तो टाइम टू से गुड बाय. प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लीजिएगा, क्योंकि खूबसूरत चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है. तो ज़्यादा देखिए बैठ के, घर में बैठ के, और एंजॉय कीजिए कोलकाता के इतने ब्यूटीफुल व्यू को. देवराज बाय कर दो सबको. देवराज बाय कर दो. Bye guys, have a rocking weekend. Sunday है, रिजस्ट करिए, एंजॉय करिए. कल से तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस का वर्क. ठीक है, bye bye and do subscribe my channel. Don't forget to hit the like button and bell button दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलती हूँ.